इंसानों में अधर्म बढ़ना शुरू हुआ है और कलयुग के अंत तक ये चरम पर होगा और कली पुरुष भी इतना शक्तिशाली और चतुर विरोधी होगा जिसे मिटाने के लिए भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार आएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। मतदाता भाइयों एवं बहनों, मैं आज खुद के लिए वोट मांगने आया हूँ। क्या आप कमल के मोदी जी भोली भाली जनता से वोट मांगने आए हो? ये तो बताओ आपने कौन सा अच्छा काम किया है? कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वसुदेव सुतम देवम हंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्ष अच्छे दिन आएंगे हम सबका अनुमान है। रामलला के संग सीने में हनुमान है। राम मंदिर बनवाया हिंदू का सम्मान है। बस एक भगवा रंग ही तो महान है। घमंड और जबरदस्ती की जय जयकार है। ईश्वर और अल्लाह तो एक समान है। अरे हिंदू का भी डोलता ईमान है। संत होकर क्यों कहता है कि वो भगवान है? कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को सफल बनाया है। अब हर बेघर को घर मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलवाया। हर माता बहन को संपन्न रसोई घर मिला। अब हर एक पति पत्नी को हर त्यौहार अपने खुद के घर में मनाने का सौभाग्य प्राप्त है। पति पत्नी घर परिवार त्यौहार, क्या वही होली का त्यौहार जो मनाया जाता है नशा करने के लिए, राह चलती लड़कियों को छेड़ने के लिए? क्या वही नवरात्रि गणपति का त्यौहार जिसमें कोई भक्तिपूर्ण गाना नहीं बजता, सिर्फ डीजे सॉन्ग पर छिछोरापन होता है, कोई श्रद्धा नहीं होती, बस अरे दीवानों मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरियाँ, एक रुपए का च्विंगम गणपति बप्पा सिंघम, अरे दुर्गा माँ के सामने गाते हैं, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। करवा चौथ पर पति पत्नी का प्रेम और विश्वास मजबूत होता है, परंतु छननी के उस पार छल होता है।
हर जेठा लाल की एक बबीता जी और हर सीमा हैदर का एक सचिन ठाकुर होता है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। अगर तुम्ही फक्त श्रद्धा आणि भक्तीचं बेल आवागा, कृपेची फळ देण्याचं काम आमच्यावर सोडा। दुसऱ्यांचं दुःख पाहून जेव्हा आपल्या डोळ्यात अश्रू येतात, तेव्हा त्यांचं मूल्य हे मोत्यापेक्षा कमी नसत। पण घेऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी। गुरु विण नो हे साधू मुनी जान, गुरु विण साहू कैसे जीवन। गुरु विण नाही नर नारायण, गुरु चरिताचे कर पारायण। गांधी जी, मैंने आपको अपना गुरु माना है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु वही है जिसके एक इशारे पर एकलव्य अपना अंगूठा काट कर दे दे। मोदी सरकार, वर्षा गायकवाड़ के राज्य में गुरु क्या है? आपकी शिक्षा व्यवस्था में गुरु डांट दे तो विद्यार्थी का अपमान, और कहीं मार दे तो सजा उसे बलात्कारी के समान। अरे गुरु लज्जित करता है पढ़ाई के नाम पर, तो शिष्य उसे गाली देता है माँ बहन के नाम पर। गुरु सरकार के लिए कठपुतली, शिष्य के लिए सर्कस का शेर, और माँ बाप के लिए मात्र मजदूर बनकर रह गया है। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़े। सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है, मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है। तू बुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, भारत माता की जय, सत्यमेव जयते। हमने राष्ट्रगीत का गौरव बढ़वाया, सिनेमाघरों में हर फिल्म से पहले जनगण मन चलवाया। राम नाम सत्य, सत्यमेव जयते नहीं, आज पैसा ही सत्य है और पैसे की ही जीत है। 5 रुपए ट्रेन की टिकट, 6 रुपए बस की टिकट ना खरीदने वाले लैला मजनू थिएटर में 100-200 की जगह 500 वाली टिकट खरीदते हैं राष्ट्रगीत सुनने के लिए। नहीं, राष्ट्रगीत के बाद ये लोग अंतिम सीट पर अंधेरे में सारी मर्यादा स्वाहा कर देते हैं। बहिया में कसी के सैया, हाय दैया मार डाल। राम नाम मणिदीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर, ओ रामा तिलक करे रघुवीर। महात्मा जी, मैंने नोट पर आपका फोटो छपवाया, आपके चश्मे को स्वच्छ भारत अभियान का चिन्ह बनाया, विश्व में सर्वप्रथम कोरोना की वैक्सीन बनवाया,
बाइक पर हेलमेट कंपलसरी और प्लास्टिक की थैली को बंद करवाया। मोदी जी, बहुत कुछ आपने चालू बंद करवाया, प्लास्टिक की थैली बंद करवाया, परंतु स्कूल के बच्चों का गुटखा, कॉलेज के बच्चों का शराब और फैशन की मारी लड़कियों का सिगरेट बंद करवाया, सरकारी अफसरों की रिश्वत बंद करवाई, अरे क्यों छपवाया नोट पर मेरा फोटो, तुम्हारा भ्रष्ट अधिकारी दिवाली पर पहुंच जाता है और कहता है मुझे मिठाई चाहिए जिस पर गांधी का फोटो छपा हो, हर मजदूर और लाचार की बद्दुआ मुझे लगती है। दो घूंट हाँ दो घूंट मुझे भी पिला दे शराब, पी दे फिर होता है क्या, हो दो घूंट मुझे भी पिला दे शराब, पी दे फिर होता है क्या। एक जोगन राजस्थानी लीरा, गिरधर की प्रेम दीवानी लीरा, गोकुल की भोर बरसाने की दोपहरी, वृंदावन की शाम देख लेती थी, कौन सा काजल मेरा नैन में लगाती थी, जो नैन मूंद के भी घन शाम देख लेती थी, नैन मूंद के भी घन शाम देख लेती थी। नवयुवक देश का भविष्य है, उसके भविष्य के लिए मैंने 8वीं तक फेल करना बंद करवाया, स्कूल में पनिशमेंट बंद करवाई, सर्व शिक्षा अभियान चलवाया, रोजगार की उचित व्यवस्था की। भाई और बहनों, मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो सब मुमकिन है, पनिशमेंट नहीं होगा, फेल नहीं होगा तो बच्चे के पास डिग्री होगी पर उसकी हैसियत गधा मजदूर जैसी होगी। मोदी युग में हर बच्चा मोबाइल का दीवाना होगा, व्हाट्सएप पर सिर्फ अश्लीलता का दर्शन होगा, पुस्तक पढ़ने नहीं आएगा परंतु माता पिता रिश्वत के बल पर बेंगलोर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, पिता के एक इशारे पर भगवान राम 14 वर्ष वनवास चले गए थे, परंतु आपका बच्चा 1000 बार मांगने पर भी 1 ग्लास पानी नहीं देगा। यदि गलती से पिता ने कह दिया अरे मैंने तुझे जन्म दिया है, तो बेटा जवाब देगा आपने मुझे जन्म अपने मजे के लिए दिया, कोई उपकार नहीं किया। अनिरुद्ध को विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा, अनिरुद्ध को विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। कैकई और दशरथ जी में कोई भेद नहीं था, भेद पैदा करने वाली ये मंथरा है, उसी तरह आज भी समाज में कुछ लोग भेद पैदा करने वाले हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना है। झाड़ू एक होती है ना, कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू हम एक हैं, बटो मत, बट जाओगे तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आजादी का महत्व महात्मा जी आपसे अच्छा कौन समझेगा, मैंने आज की बेटी को आजादी दिलाई, पुरुष प्रधान देश में बेटी का मान बढ़ाया, नारी सशक्तिकरण के तहत निर्भया पुलिस यूनिट चलवाया, आज की बेटी स्वयं सक्षम है। आज़ादी, अच्छी आज़ादी दिलाई आपने, बेटी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगे तो पिता उसके कपड़े देखकर शर्म के मारे आंखें नीची कर लेता है।
बाप के 20 साल की परवरिश पर वैलेंटाइन का प्यार भारी पड़ने लगता है। हर बेटी का मोबाइल हाई सिक्योरिटी पासवर्ड से लॉक होता है। राधा का प्यार सिर्फ कृष्णा होता है, परंतु आज की बेटी का XYZ होता है। क्या वृंदावन का मतलब आक्षा बीच और ग्रांड रोड होता है? क्या रासलीला का मतलब लिव इन रिलेशनशिप होता है? सनातन अपने बाप का है और तुम अपने बाप की जय बोलने में हचकिचाते हो, और तुमको डर है तो तुम डरपोक हिंदू हो। भक्ति धर्म अनुगामी, बुद्धि बल के है स्वामी, मन में समाए प्रभु राम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। ऐसे चिरंजीवी जो लाखों करोड़ों सालों से कभी मरे ही नहीं और आज तक जिंदा हैं और धरती पे विचरण कर रहे हैं। चिरंजीवियों में से सबसे पहले हैं हनुमान जी, दूसरे नंबर पर हैं परशुराम। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूता दुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल किंचित केसा। परशुराम, परशुराम, अग्रतः चतुरोपेता, कृष्णतः सक्षरं धनु, इदं ब्रह्मं, इदं क्षत्रं, चापदापि शरदपि। कली पुरुष सतयुग से अब तक जीवित है, उसने हर छल को देखा है, उसने हर अधर्म को देखा है, इसीलिए वो अपना हथियार इंसानों को बनाएगा। वो इंसानों में इतना धर्म भर देगा कि इंसान उसका साथ देंगे। अनंत जिसकी गूंज है, अगाध उसकी शक्ति है। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। प्राणादम कलियुद्धम अहम विष्णुरवतारम, तुम संभारम कल्कि।
मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, और मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं। इस जीवन का सार भी मैं हूँ, संत भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, और आदि और अनंत भी मैं हूँ। हनुमा रुधिर मणि निरीक्षण। Vishnu!